गाइस, रोहित त्रेन बैक विद अ वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाए लाल का बटन है सब्सक्राइब लिखा, उस पर क्लिक करें, सब्सक्राइब हो जाएगा। उसका फायदा ये होगा जब भी मैं अपनी वीडियो सोशल में अपलोड करूंगा तो भाई लोगों आपको अपने पता चल जाएगा। तो भाई लोगों, आज मैं वर्कआउट बना रहा हूं बिगिनर्स के लिए, क्योंकि मैंने जितना अभी तक अपने चैनल को एनालाइज किया है 40-50 लाख जो मेरे व्यू आए अभी तक, उसमें से 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो बिगिनर्स हैं। वो पूछते हैं कि सर, हमने अभी जिम स्टार्ट किया है या हम जिम जाना चाहते हैं, हम कौन सी एक्सरसाइज करें। तो जिम में आजकल किसी को कोई भी गाइड करने वाला नहीं है, तो उनको कैसे पता होगा कि उन्हें कौन सी एक्सरसाइज उनके लिए बेस्ट है। तो अगर आप जिम में 1 से 1.5 महीना गए हो तो आपको बेसिक्स एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी बेसिक एक्सरसाइज कौन सी है, और इंसानों को ये पता नहीं है कि उनकी बेसिक्स एक्सरसाइज कौन सी है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई जाते ही 8 नोट बन नहीं जाता है, उसको सीखना पड़ता है। तो अगर आप जिम जाना चाहते हो या आपको 10 दिन हो गए या 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो आपको कम से कम 1 से 2 महीना मिक्स एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और वो सारी मिक्स एक्सरसाइज होगी आपकी मशीन्स एक्सरसाइज। आपकी जो मशीन्स होती है वो होती है आपकी बेसिक्स। आपको कोई भी फ्री वेट एक्सरसाइज नहीं करनी है। फ्री वेट एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? फ्री वेट एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आपने रॉड ली और आप इससे एक्सरसाइज करने लग गए, इससे आपकी मूवमेंट जो है वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। आपको 1 से 2 महीना करना क्या है, आपको करना है अपनी मसल्स को, जो आपकी मसल्स है उसको एक मैच्योर करना है कि वो एक नॉर्मल एक्टिविटी से जिम लाइफस्टाइल उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, अब वो जिम जाने लगा है। आपको अपने जो बॉडी है उसके अपनी मसल्स है उनको बताना है। अगर आप ये फ्री वेट उठा रहे हो, जो रॉड उठा रहे हो, उससे क्या होगा, आपकी जो मसल्स है वो कभी डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप स्टार्टिंग में प्रॉपर मूवमेंट लगाना नहीं सीख सकते। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रॉपर मूवमेंट, और वो आपको कहाँ से सीखनी पड़ेगी, वो है आपकी बेसिक एक्सरसाइज, जो है आपकी मशीन्स। आपको हर बॉडी पार्ट के लिए मशीन्स यूज़ करनी है, और आपको 1 से 2 महीना मिक्स एक्सरसाइज करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि मैं आजकल लोगों को देखता हूँ, वो पहले दिन आते हैं मिक्स एक्सरसाइज करते हैं, दूसरे दिन आते हैं मिक्स एक्सरसाइज करते हैं, तीसरे दिन आते हैं मिक्स एक्सरसाइज करते हैं, दैट्स इट, हो गया उनका काम। तो इतना नहीं है, 3 दिन में आपकी मसल्स को पता नहीं चलता है कि आपने अपनी जो बॉडी है उसको कुछ अलग करने की कोशिश स्टार्ट कर दी है। तो आपको 1 से 1.5 महीना मिक्स एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि आपकी बॉडी एक प्रॉपर शेप में आ सके। मेरा यकीन करो, अगर आप मिक्स एक्सरसाइज पे ध्यान दोगे, रोज़ अपनी अलग अलग पार्ट की एक्सरसाइज एक साथ लगाओगे, हर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज 1 दिन में लगाओगे, तो आपकी मिक्स एक्सरसाइज आपकी जो गेंस है, आपकी जो मसल है, वो बहुत फास्ट कर देगी। सब चीज़ों के लिए मैं एक्सरसाइज बताऊँगा, बट वो सारी एक्सरसाइज होगी आपकी बेसिक्स, जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक्स एक्सरसाइज। तो भाई लोगों, पहली जो एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ वो है आपकी चेस्ट एक्सरसाइज। आपको जाते ही रोड से नहीं करनी है एक्सरसाइज, आपको मशीन्स पे ध्यान देना है। तो मशीन्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है कि आप ये बटरफ्लाई का यूज करें। आपको बटरफ्लाई कैसे करनी है, बिल्कुल अपना पूरा बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा रखना है और पीछे इतना एंड अप, फ्लेक्स स्ट्रेच, फ्लेक्स चेस्ट, फ्लेक्स। तो इस एक्सरसाइज के बताने का मेन मोटिव ये है कि अगर आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, मशीन एक्सरसाइज आपकी बेसिक्स, तो आपकी मूवमेंट कभी गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि ये मशीन तो बनी ऐसे ही है, आप इसको ऐसे तो मार नहीं सकते कुछ गलत तरीके से। तो ये आपकी मूवमेंट बनाना सिखाती है मशीन्स। तो आपको 1 से 2 महीना अपनी मूवमेंट सीखनी है और अपने गेंस के लिए अपनी बेसिक एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। तो आप चेस्ट के लिए ये एक्सरसाइज करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको फ्री वेट एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसमें आपका कोई मशीन का यूज़ ना हो। आपको रोड नहीं मारनी, आपको डंबल नहीं मारने, आपको करनी है सारी मशीन्स की एक्सरसाइज। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ चेस्ट एक्सरसाइज का। तो चलिए चलते हैं भाई लोगों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारी चेस्ट एक्सरसाइज जिसमें मशीन का यूज़ हो रहा है। मशीन मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपकी जो मूवमेंट है वो गलत नहीं होएगी, आपकी जो मसल है वो मैच्योर हो जाएगी जल्दी से जल्दी। अगर आप फ्री वेट का यूज़ कर रहे हो, अगर आप इस एक्सरसाइज की जगह रोड उठा रहे हो, तो क्या होगा, आप
पूरी रोड ऊपर ले जाओगे आपको पता नहीं है कि वो नीचे कैसे ला दिया, आपके हाथ टेढ़े हो जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, आपकी प्रॉपर फॉर्म अगर गलत हुई तो पूरी एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये मशीन आपकी जो प्रॉपर मूवमेंट है वो कभी गलत होने ही नहीं देगी। आप इसे फास्ट करो या स्लो करो, मूवमेंट तो मूवमेंट रहेगी ना। तो आपको फोकस करना अपनी मूवमेंट पे, मूवमेंट बहुत जरूरी है। हर दिन हर पार्ट की एक्सरसाइज लगाए, एक दिन में अपने हर पार्ट की एक्सरसाइज लगाए 2 महीने तक, और अलग अलग एक्सरसाइज से अपने पार्ट्स को ट्रेन करते रहे। आज आपने जैसे बटरफ्लाई लगा ली, कल आप ये एक्सरसाइज लगा लो, तीसरे दिन आप डिप्स लगा लो। तो आप फ्री वेट का यूज ना करें, जिस चीज़ में आपका मशीन्स यूज नहीं हो रही है आप 1 से 2 महीना उसे अवॉइड करें अगर आप बिगिनर्स हो। तो भाई लोगों, अब मैं बताने जा रहा हूँ बाइसेप्स की एक्सरसाइज। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, वेट का यूज नहीं करना है, जो फ्री वेट्स होते हैं। आपको रोड नहीं लगानी है अगर आप बिगिनर्स हो, तो आपको डंबल नहीं लगाने हैं। ये मशीन है आपकी मूवमेंट अच्छी रखेगी, आपके जो मसल है उसको फास्ट कर देगी, उसकी गेंस को। तो आप देख सकते हो ये मशीन, इसमें कुछ यूज ही नहीं करना। जैसी ये मशीन बनी है हमको बिल्कुल प्रॉपर वैसी एक्सरसाइज लगानी है, ये गलत हो ही नहीं सकती ना, आपकी इंजरी होगी। सबसे मेन है आपकी इंजरी, अगर आप वो एक्सरसाइज करोगे तो अगर आपको प्रॉपर फॉर्म पता ही नहीं है तो आप इंजरी हो जाएगी आपके। अगर आपके जो ड्रीम्स है, जो आपके अपने बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड ड्रीम्स जो आपने सेट करे हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि एक बार अगर आपको इंजरी हो गई, आपकी जो डिस्क है वो स्लिप हो गई या आपकी शोल्डर में इंजरी हो गई, तो आपका ऑलमोस्ट सपना टूट ही जाएगा जो आपने ड्रीम कभी सोचा होगा कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ या मुझे अपनी बॉडी को चेंज करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, आपको डेली मिक्स एक्सरसाइज लगानी है, आपको कोई भी वेट फ्री वेट एक्सरसाइज नहीं लगानी है। जिस एक्सरसाइज में मशीन का यूज़ कर रहा हो वो एक्सरसाइज 2 महीने तक परफॉर्म करें, क्योंकि आप बिगिनर्स हो। बिगिनर्स का मतलब ये नहीं होता कि 10 दिन गए हम बिगिनर्स हैं, 11वें दिन हम प्रोफेशनल बन गए, नहीं। अगर आप 2-3 महीना ये एक्सरसाइज लगाओगे तो आप अपनी बॉडी में ह्यूज डिफरेंस देखोगे। चलो मैं ये चीज़ आपको कुछ एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। अगर आप दो दोस्त हो, दोनों एक जैसे हो, दोनों एक साथ जिम जा रहे हो, एक जैसी एक्सरसाइज कर रहे हो, एक जैसे डाइट ले रहे हो, और एक इंसान करेगा फ्री वेट एक्सरसाइज जिसमें उसको इंजरी हो सकती है, उसको पता ही नहीं है करना क्या है, क्या पता वो अपनी रोड मार रहा है और उसके फेस पे वो रोड गिर जाए, उसके छाती पे गिर जाए, उसकी शोल्डर इंजर्ड हो जाए, उसे पता ही नहीं है करना क्या है। ये मशीन आपको सिखाती है कि आपको प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो इन बेसिक्स एक्सरसाइज पे अटके रहे, फ्री वेट्स पे ना जाए 1 से 2 महीना, और ये मिक्स एक्सरसाइज करते रहे। तो आप अपनी जो बेसिक्स एक्सरसाइज है उन पे अटके रहे 2 महीना। ऐसे ही आप ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज लगाएं, ऐसे ही आप बैक की एक्सरसाइज लगाएं। आप कोई भी फ्री वेट यूज़ ना करें, डंबल और रोड का यूज़ नहीं करना है। फ्री वेट मतलब होता है जिसमें आप मशीन्स का यूज़ नहीं कर रहे हो। तो आपको डंबल वगैरह और ये रोड वगैरह का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपको 2 महीने कम से कम अपनी मसल्स को मैच्योर करना है कि वो तैयार हो जाए फ्री वेट एक्सरसाइज के लिए। तो आपको एक दिन में अलग अलग पार्ट को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज लगाई है, बाइसेप्स की एक्सरसाइज लगाई है, और आप वैसे ही साथ ही साथ बैक की एक्सरसाइज लगाई, शोल्डर की, थाई की, एब्स की। तो आप एक दिन में हर बॉडी पार्ट को मशीन से ट्रेन करें, जिससे आपके जो रिजल्ट है वो बहुत अमेजिंग होंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। 2 महीने, तो 2 महीने तक मिक्स एक्सरसाइज करें, मशीन से एक्सरसाइज लगाएं, अपने बेसिक्स पे अटके रहे, पहले रूल समझें कि ये एक्सरसाइज परफॉर्म कैसे होती है। आपकी मसल्स को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि अब मैं एक फिटनेस स्टेज में चली गई हूँ, अब मेरे को ट्रेन करने की ज़रूरत है, अब मेरे को अपना लेवल है वो अप करना है। तो आपको अलग अलग एक्सरसाइज लगानी है, मशीन लगानी है, और 2 महीने तक लगानी है। तो भाइयों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बिगिनर्स के लिए क्या सही है और क्या गलत है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाल कलर का बटन है, बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कर दो, तोड़ो कुछ भी करो, सब्सक्राइब होना चाहिए। दिस इज रोहित, ओवर एंड आउट।